कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से कोई पत्थर उछाल के तो देखो। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म का जो कि हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई है और काफ़ी कम लोगों को पता है इस फिल्म के बारे में, क्योंकि इसकी अच्छे से आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी नहीं हुई है, पर फिल्म इतनी शानदार थी कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। इसका नाम है राम सिंह चार्ली। राम सिंह चार्ली की अगर बात करें तो फिल्म की स्टार कास्ट में है कुमुद और दिव्या दत्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े एक्टर्स हैं और आप इनकी एक्टिंग से बाखूबी परिचित हैं, तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। लो बजट की फिल्म है, ज़्यादा इसमें नहीं कैरेक्टर्स को दिखाया गया, थोड़े कैरेक्टर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बात करेंगे अगर फिल्म की, तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है राम सिंह चार्ली से, जो कि एक सर्कस में काम करते हैं एज अ चार्ली चैपलिन के रोल में, और काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं लोगों को। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से सर्कस को बंद करना पड़ जाता है, तो गरीब घर से होते हैं, गाँव से भाग के आए होते हैं, तो उनको ये टेंशन रहती है कि अब क्या करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जब सर्कस से बाहर चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे का एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को वो गांव भेज देते हैं और यहाँ पे चलाने लग जाते हैं रिक्शा। रिक्शा से अब बात ये होती है कि अर्निंग तो शुरू हो जाती है, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, रहने को जगह मिल जाती है, फ़ोन खरीद लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पैशन जो है उनका, जो उनका शौक है, जो उनकी ज़िंदगी है, वो चार्ली के किरदार में ही रहती है। तो लेकिन वो उस चार्ली के किरदार को दबा देते हैं, लेकिन आप सपनों को जितना मर्जी दबाएं ना, वो फिर भी उतनी ही ज़ोर से आपको उभर के नज़र आते हैं, क्योंकि आपकी कहते हैं ना कि वो चार्ली का जो उनका कॉस्ट्यूम था, वो उन्हें कॉस्ट्यूम नहीं अपनी चमड़ी मानते थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना पैशन होगा उनके अंदर अपने काम को लेके, कितना दिल होगा एक कलाकार का। तो इसकी एक डायलॉग है जो मैं आपको बताऊंगी कि वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट वो नहीं होता जो लोगों के लिए परफॉर्म करता है, लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट वो होता है जो अपने लिए परफॉर्म करता है। बात करेंगे अगर फिल्म की, तो सोनी लिव पे ये फिल्म आपको अवेलेबल हो जाएगी, 2.25 घंटे की ये फिल्म है और इतनी इमोशनल और इतनी टची है ना कि आप देख के अगर रोए ना ना, तो मतलब आप उससे इमोशनली इतना ज़्यादा रिलेट करेंगे कि हाँ कैसे लोग गरीब होते हैं जो, और कैसे अपने मन को मार के वो कुछ काम करते हैं, मन को मारते हैं वो, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आपको ये स्ट्रगल की कहानी देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे हम इंडियन सिनेमा की, तो इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उनको चाहिए बहुत बड़ी स्टार कास्ट, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा मतलब कि कहीं पे आइटम डांस घुसा देंगे, मतलब उस लेवल से ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है और आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इसे देखेंगे। तो ऐसी एक और फिल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था परीक्षा, वो भी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने उसका रिव्यू भी किया था। और ऐसी फिल्म्स कहते हैं ना, कंटेंट क्वालिटी है इन फिल्म्स में, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये फिल्म देखें और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप पूरी फिल्म में। और हाँ, अगर आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन है ना, तो आपका दिल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा उनके कैरेक्टर को देख के कि काफ़ी अच्छा उन्होंने किरदार निभाया है। और एक मुझे कुमुद के अलावा दिव्या दत्ता भी बहुत प्यारे लगे, उन्होंने भी अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है, बहुत स्वीटली उन्होंने सपोर्ट भी किया है, उन्होंने ये दिखाया कि कैसे गरीबी में जो है वो तब भी खुश रहा जा सकता है। तो पूरी स्टोरी, मतलब कह सकते हैं ना पूरी स्टोरी का सार मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इसे कितने स्टार देंगे। और बात करें अगर मेरे स्टार्स की, तो मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार दूंगी। मुझे ये फिल्म बहुत प्यारी लगी, बहुत डिसेंट फिल्म है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आप भी देखिए, अपने अपने से बड़ों को भी दिखाइए, अपने से छोटों को भी दिखाइए, ताकि वो भी जो अभी जनरेशन आ रही है वो भी समझ सके कि सपनों की कीमत क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।